दोस्तों बता दें कि एक और बिहार सरकार का नया साइट लॉन्च करके आए, और इसमें अगर बता दे देते कि प्रोविजन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें क्या क्या मिलने वाला है। ये साइट बिल्कुल नया है। देखिए ई सर्विस फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक किया, इसको भी चेक कर लेंगे क्या इसमें निकलता है और क्या क्या इसमें है वो भी हम पहले जान लेते हैं। देखिए संपत्ति, भूमि, भवन के निबंधन हेतु यहाँ क्लिक करें। सोसाइटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अन्य सेवाएं के बारे में जैसे देख लेते हैं, निबंधन के लिए ई भुगतान करें। भूमि फ्लैट पंजीकरण के लिए स्टॉल बुक करें। MBR देखें, जिस MBR डिटेल जो होता है MBR देख सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बन चुका है, ये ऑलरेडी पुराना जो साइट था उसी साइट को यहाँ पर हो सकता है उसको इंक्लूड किया गया हो। देखिए भूमि फ्लैट पंजीकरण बुक किया गया स्लॉट रद्द करें। ऋण आभार प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। ऋण आभार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु यहाँ क्लिक कर सकते हैं। विवाह निबंधन या आवेदन करें। ऋण आभार प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया यहाँ से देख सकते हैं। स्टाम्प शुल्क पंजीकरण एवं अन्य शुल्क की सूची देख सकते हैं। ऑनलाइन डैशबोर्ड जा सकते हैं। ऋण आभार प्रमाण पत्र की सूची देख सकते हैं। विवाह निबंधन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया की सूची देख सकते हैं। ऑनलाइन अभी प्रमाणित प्रतिलिपि देख सकते हैं। सोसाइटी ऑनलाइन अभी प्रमाणित लिपि देख सकते हैं। यही सारा चीज़ इस नए वाले साइट में है, ठीक है। तो रुकिए थोड़ा सा, आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा, हम एक एक चीज़ को यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर से आ जाते हैं। देखिए ऊपर में तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ई सर्विस फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं ई सर्विस रजिस्ट्रेशन में क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ कर लेते हैं लिखा हुआ क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर देगा इसको, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको ट्रांसलेट कर देगा। चलिए यहाँ पे देखिए लैंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन न्यू ई रिसिप्ट यहाँ पे देख पाइएगा। सोसाइटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। भूमि की जानकारी और मॉडल डीड, मॉडल डीड मतलब जो सेल डीड होता है, मॉडल डीड होता है, वो सब चीज़ यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए अब यहाँ पे किसी एक पे हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे हम ऊपर वाले पे क्लिक कर लेते हैं, लैंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, क्या है आखिर इसमें। अच्छा चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद में खुल रहे हैं मध्य निषेध एवं निबंधन बिहार सरकार, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और इंटर कोड, ठीक है। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन है बैक टू होम पेज, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, अच्छा इस पे हम इसको पहले देखते हैं कि क्या क्या है। चलिए इसको देख ही लेते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन क्या क्या मांग रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन क्या क्या है देख लेते हैं इसको। देखिए यूज़र नेम डिटेल्स, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंटर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, फिर सबमिट करेंगे। भाई तो अभी आप लोग इसमें नहीं करिएगा, ये क्या है नहीं है इसको हम बाद में चेक करेंगे, उसके बाद में हम आपको कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको अभी बैक होम पे चले जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ है पहले उसको जान लेते हैं। देखिए संपत्ति, भूमि, भवन निबंधन हेतु तो यहाँ क्लिक करें, इसको क्लिक कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, कोई फाइल डाउनलोड, ऊपर में देखिए फाइल डाउनलोड हो रहा है, फाइल डाउनलोड हो गया। इसको देख लेते हैं क्या इसमें दिक्कत दिया गया है। दस्तावेज निबंधन करने हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया, प्रथम चरण, पहले आप निबंधित कार्यालय जाने वाले दस्तावेज के प्रारूप को भरें। प्रारूप भरने के दो तरीके हो सकते हैं, मॉडल प्रारूप डाउनलोड करें उसे भर सकते हैं, या मॉडल प्रारूप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस वाले साइट पर क्लिक करें, अथवा आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपनी सारी प्रविष्टि ऑनलाइन भर कर भी दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन दस्तावेज तैयार करने हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। द्वितीय चरण, यही सब चीज़ लिखा हुआ है, जिस साइट से हम डाउनलोड किए हैं आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये तो देख लीजिए, हम आगे देख लेते हैं।
आगे देख लेते हैं, यह भूमि फ्लैट पंजीकरण स्टॉल बुक करें, इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। इसमें भी बस वही लॉगिन खुज रहा है, चलिए इसमें वही लॉगिन खुज रहा है। बैक टू पेज, होम पेज पे चले जाते हैं। सोसाइटी के लिए हो गया, और यहाँ के निबंधन के लिए ई भुगतान करें, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे कौन सा साइट खोल रहा है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निबंधन के लिए क्या क्या बोल रहा है, चालान क्या लिख रहा है, प्लीज़ फिल योर बेसिक डिटेल्स टू जनरेट ई रिसिप्ट, किस चीज़ का रिसिप्ट, प्लीज़ इंटर पार्टी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, आधार नंबर, रजिस्ट्री ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, रजिस्ट्री ऑफिस, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब चीज़ यहाँ पे मांग रहा है। इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं इस रजिस्ट्री ऑफिस में क्या क्या मांग रहा है। सभी जिला लगभग दिया हुआ है क्या, हाजीपुर, कैमूर, कटिहार, इसको भी हम चेक करेंगे। इस पर एक और वीडियो हम लेकर हम आएंगे आपको, डी एस आर, आर एस ऑफिस बाई कैश चेक, ड्राफ्ट ड्यूटी, चलान, ये क्या है, इसके बारे में हम एक बार अच्छे से हम इस पर स्टडी कर लेंगे, फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। बैक टू, हम पहले होम पेज में ही आते रहते हैं, सब में देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ है, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे एक एक करके। ऐसे में आपको इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। भूमि फ्लैट पंजीकरण के लिए स्टॉल बुक करें, यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें भी रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो अभी रजिस्ट्रेशन करना नहीं, पहले बाद में देखते हैं किस में आखिर क्या मांग रहा है। एम बी आर देखें, एम बी आर का ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, हो सकता है कि उसी चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया हो। देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है। एम बी आर तो ये खुल नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं क्या खुलता है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ऐसे ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एम बी आर डिटेल्स, यानी एम बी आर का मतलब वही है जिस एम बी आर में आपको बहुत दो तीन चार चीज़ रहता है, उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका ऑलरेडी वेबसाइट है, आप गूगल पे भी जाकर सर्च करिएगा एम बी आर डिटेल्स, आपको खुल जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको खोल के, इस पर तो खुल नहीं रहा है, बैक कर देते हैं इसको। ऋण आभार प्रमाण पत्र डाउनलोड करें, यहाँ पे क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। ऋण आभार प्रमाण पत्र में NCEC या अपॉइंटमेंट नंबर मांग रहा है, अपॉइंटमेंट नंबर पे और अटैक पॉइंट, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है इसका। ऑनलाइन डैशबोर्ड पे जाते हैं, ऑनलाइन डैशबोर्ड में क्या है पता चलेगा, ऑनलाइन डैशबोर्ड पे क्या क्या है। ईयर 2024-25, लैंड फ्लैट रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, फॉर्म रजिस्ट्रेशन, इसमें देखिए इसमें कुछ डाला हुआ है, ठीक है, बाकी सब में चीज़ अभी उतना नहीं डाला हुआ है, इसका डैशबोर्ड है उसका, ठीक है। ऐसे भी समझ के थोड़ा परे हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हर एक चीज़ को, आईडी वगैरह लेकर चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप वो करने से पहले एक बार ज़रूर चेक करिएगा, उसके बाद ही कुछ आगे का स्टेप लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोग को बता देना, सलाह देना। यहाँ पे क्या लिख रहा है, बिहार सरकार का ये बाजार, अच्छा वही वाला साइट है, इसमें लॉगिन का दे रहा है एरर, ये सब चीज़, साइन अप, न्यू यूज़र साइन अप नाउ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, हमें तो अभी तक कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग कहीं ट्राई कीजिएगा, हर एक पे जाकर चेक कीजिएगा क्या फ़ायदा इसे मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें भी हम फ़ायदा खोजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार का नया साइड है, हो सकता है इस पर और काम चल रहा होगा, लेकिन वो तो देखने वाली बात होगी। तो यही सब है इस साइड पे, आप लोग एक बार ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा, लेकिन लॉगिन वगैरह भी फ़िलहाल नहीं कीजिएगा। लॉगिन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, लॉगिन से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तभी लॉगिन करेंगे, ऐसा ना हो कि कोई ये डुप्लीकेट साइट हो जिससे आदमी ठगी का शिकार हो जाए, तो इसलिए हम सजेशन नहीं करेंगे, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही आगे कोई कदम लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।